नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संयोजक प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि एनसीआरबी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की झूठी हकीकत सामने आ गई है और अब ये साबित हो गया है कि भाजपा और आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रदेश में बच्चों, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इसका प्रमाण है। क्या कुछ बोले अंशु अवस्थी, आप खुद ही सुन लीजिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। तथ्यों में हेराफेरी करने से सच नहीं बदल जाता। सच्चाई यह है कि देश में लगातार बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं भाजपा सरकार में बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार सरकार में बढ़ रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में 1,49,404 घटनाएं बच्चों के प्रति अपराध की हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक नंबर पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए। तो ये दर्शाता है कि सरकार बच्चों के प्रति अपराध को रोक नहीं पा रही। महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ। पूरे देश के सापेक्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में 56,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और दलितों पर जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता कभी भी हट नहीं सकती, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आखिर प्रदेश का जनमानस और देश का जनमानस ये सवाल कर रहा है कि भाजपा सरकार किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, चाहे वो दलित हो, बच्चे हो, दलित महिलाएं हो, उनको सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं दे पा रही, अपराध क्यों नहीं कम हो रहे हैं, लगातार घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, सिर्फ डराकर शासन क्यों किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इसका प्रमाण है कि भाजपा सरकार को सरकार चलाना नहीं आता, ना ही ऑनलाइन अंडर संभालना आता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।